हम यहाँ तक आ गए थे टाइप्स ऑफ फैक्टर्स चल रहा था, है ना। टाइप्स ऑफ फैक्टर्स में देखो आगे क्या लिख सकते हैं अपने, सी एन ओ तो टाइप्स ऑफ फैक्टर में अपने क्या क्या देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फैक्टर में देखो थोड़े से फिर उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इन केस ऑफ टाइप्स ऑफ फैक्टर फर्स्ट फैक्टर इज द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब अ वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इन जीरो इज कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर और इट आल्सो कॉल्ड एज अ नल वेक्टर। जीरो वेक्टर इज नोटेड बाय जीरो जीरो डॉट बार, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर इज अ जीरो वेक्टर। देन आफ्टरवर्ड सेकंड वन इज अ टाइप्स ऑफ फैक्टर में पहला वेक्टर इज अपन जीरो वेक्टर, ओके। इट इज नोटेड बाय जीरो बार डॉट आउट। सेकंड वन इज इट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, a vector having magnitude 1 or unity is called as a unit vector. It is denoted by अगर सिंपल वेक्टर a बार है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे नोट करेंगे अपन, a कैप से दिस वन। उसके बाद थर्ड अपन इसमें देखें कुछ वेक्टर्स आते हैं कोइनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर्स, है ना। थर्ड वन इज कोइनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर्स। कोइनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर्स तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कोइनिशियल को टर्मिनल वेक्टर मतलब दोज वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स। दोज वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड एज अ कोइनिशियल वेक्टर, वेयर एज दोज वेक्टर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड एज अ कोटर्मिनस वेक्टर। ये दोनों को सबको मालूम, कोइनिशियल वेक्टर मतलब जिसके इनिशियल पॉइंट सेम है सच वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल वेक्टर, और जिसके टर्मिनल पॉइंट सेम है उसको कौन से वेक्टर्स बोलेंगे, कोटर्मिनल वेक्टर्स, राइट है। जैसे कि यहाँ पे ये दो वेक्टर के बारे में, ये यहाँ पे एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, ये वेक्टर ए बार, ये वेक्टर बी बार, ये वेक्टर सी बार, जिसका ये सब पे इनिशियल पॉइंट सेम है तो दिस वेक्टर्स आर सेड टू बी द कोइनिशियल वेक्टर। उसी तरीके से उल्टा यहाँ से ये पॉइंट पर वैसे कोई भी तीन वेक्टर, ये वेक्टर आके मिलेगा, ये वेक्टर आके मिलेगा और ये वेक्टर, ये तीनों का टर्मिनल पॉइंट क्या है सेम, दिस वेक्टर्स आर सेड टू बी द को टर्मिनल वेक्टर। देन आफ्टर वन नेक्स्ट वन को इनिशियल को टर्मिनल के बाद नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा अपन, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स मींस वेक्टर्स आर सेड टू बी द इक्वल और टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दो वेक्टर इक्वल कब रहेंगे, जब उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या रहेंगे सेम। कभी कभी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, या फिर डायरेक्शन सेम नहीं है तब भी क्या है नॉट इक्वल वेक्टर्स। इक्वल के लिए दो कंडीशन है, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, देन सच वेक्टर्स आर सेड टू बी द इक्वल वेक्टर्स। तो उसके बाद हम आगे थे नेक्स्ट इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर्स में क्या ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन दिए वाले वेक्टर के अपोजिट में जाएंगी, है ना। मैं बताया था जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेक्टर ए बार है, इसकी डायरेक्शन और ये इसके डायरेक्शन, ये दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट है, ये ए बार है तो ये क्या रहेगा माइनस ए बार। अगर से कोई वेक्टर की डायरेक्शन इसके अपोजिट रहेंगे तो वी गॉट द नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर्स। सो वी कैन राइट ए बार अगर से वेक्टर है ये दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो ये क्या मिलेगा तुमको माइनस का ए बार, ओके। नेगेटिव वेक्टर्स देन आफ्टर वन नेक्स्ट वन इधर नेक्स्ट साइड लेना कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स व्हाट इज इन दैट कोलिनियर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू वन अनदर और इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। दो या दो से ज्यादा वेक्टर को कोलिनियर कब बोलेंगे, जब वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे या फिर वो एक ही लाइन पे रहेंगे, सच वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स में कल क्या बताया था अपने प्रॉपर्टी, कोलिनियर वेक्टर्स में सिर्फ वेक्टर एक दूसरे को क्या होना चाहिए पैरेलल, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग भी रहेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो सिर्फ पैरेलल अलग से है तो वेक्टर्स क्या रहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बताया था मैंने ये वेक्टर ए बार, ये वेक्टर एक बी बार और ये वेक्टर क्या है तुम्हारे पास सी बार, लाइक तो अब जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इसमें इधर जो वेक्टर्स तीनों वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार दे आर पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे को पैरेलल है, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे अपन, दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी द कोलिनियर वेक्टर्स। दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी द
कोलिनियर वेक्टर्स बिकॉज दे आर पैरेलल टू वन अनदर, वो एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, इसकी वजह से वो क्या है कोलिनियर है. इरेस्पेक्टिव ऑफ योर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोलिनियर देना नहीं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका मैग्नीट्यूड इससे कम है मगर तब भी वो एक दूसरे को पैरेलल है तो वो क्या है कोलिनियर वेक्टर. उसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड इससे कम है और डायरेक्शन भी अलग है इनका तब भी वो क्या है कोलिनियर वेक्टर है. तो कोलिनियर वेक्टर में सिर्फ कंडीशन क्या है, जो भी वेक्टर्स है वो एक दूसरे को क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ता नहीं. तो डेफिनेशन ही ये है कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर. कब बोलेंगे, जब वो क्या रहेंगे इफ दे आर पैरेलल टू वन अनदर, वो दूसरे को क्या रहेंगे पैरेलल रहेंगे या फिर अलोंग द सेम लाइन एक ही लाइन पे रहेंगे तब भी वो क्या है कोलिनियर है. उसके बाद इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होना ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरे को पैरेलल पे रहेंगे या फिर एक ही लाइन पे रहेंगे तभी वो क्या है कोलिनियर वेक्टर. ठीक है चलो उसके बाद नेक्स्ट वन प्री वेक्टर्स. नेक्स्ट स्टार्टिंग एक्स टाइप की प्री वेक्टर्स पहले यहां तक हो गया था आपको देखना. अब नेक्स्ट वन इज द प्री वेक्टर्स नेक्स्ट टाइप्स. तो प्री वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है एकदम सिंपल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्री वेक्टर्स, इफ अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन द स्पेस. कोई वेक्टर को अगर से अपन कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं दिवाली वेक्टर को, बट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम रहना चाहिए. उसको अपन बगैर उसको हिलाए अपन अगर से कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं वेक्टर को, वो वेक्टर क्या बोलेंगे अपन प्री वेक्टर. और दूसरे वर्ड में अगर से बोलना है इन अदर वर्ड्स तो कैसा, द इनिशियल पॉइंट ऑफ प्री वेक्टर कैन बी टेकन एनीवेयर, द इनिशियल पॉइंट ऑफ दोज वेक्टर कैन बी टेकन एनीवेयर इन द स्पेस without changing its magnitude and direction, then such vectors are said to be the free vectors. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर यहाँ पे, अब ये वेक्टर ए बार है, तो ये वेक्टर ए बार का इनिशियल पॉइंट तुम इन स्पेस में कहीं भी रह सकते हो, मगर इसका इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये वेक्टर ए बार का जो है, ये वेक्टर ए बार का तुमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम रहना चाहिए, ये नहीं बदलना चाहिए. अब ये वेक्टर को तुम स्पेस में यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते ट्रांसलेट कर सकते, मगर इंपॉर्टेंट क्या है जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये है तो वो डायरेक्शन क्या रहना चाहिए सेम, दिस वन मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम. तो इसमें जो ये वेक्टर के जो इनिशियल पॉइंट है हम स्पेस में क्या है कहीं भी ले सकते हैं एनीवेयर इन द स्पेस, तो दिस वेक्टर आर सेड टू बी द फ्री वेक्टर्स. सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है जो भी वेक्टर को हम कहीं दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं स्पेस में तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है चेंज नहीं होना चाहिए, तो सच वेक्टर्स आर सेड टू बी द फ्री वेक्टर्स. तो डेफिनेशन क्या है इसकी, वेक्टर हैविंग those vector whose initial point can be taken everywhere in the space, कहीं भी ले सकते without changing its magnitude and direction, then such vectors are said to be the free vectors. ऐसे vector जिसका initial point हम space में कहीं भी ले सकते मगर important क्या है कि उसका magnitude और direction change नहीं होना चाहिए, without changing its magnitude and direction such vectors are said to be the free vectors. As on the free vectors का definition है, तुम भी कैसे भी ले सकते हो, मगर उसका direction और magnitude क्या है change नहीं होना चाहिए, है ना. यहाँ पे ले सकते ये पूरे space में तुम समझो यहाँ पे भी अगर सही है तो कैसा आना चाहिए, ये बार की ये direction है, ये vector ये बार की direction है और इसका magnitude भी दोनों का क्या होना चाहिए same. तो इसका जो initial point है हम स्पेस में क्या है कहीं भी translate कर सकते कहीं भी ले सकते, सिर्फ कंडीशन क्या है कि जो भी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए, फिर तुम स्पेस में वो पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट कहीं पे भी लो मगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. सच वेक्टर्स आर सेड टू बी द फ्री वेक्टर्स. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री वेक्टर्स, वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट और दोस वेक्टर इनिशियल और होस्ट इनिशियल पॉइंट कैन बी टेकन एनीवेयर इन द स्पेस, those vector whose initial point can be taken anywhere in the space, important kya hai, without changing, change na karte hue, kya mein, its magnitude and direction mein, to wo vectors ko kya bolenge apan, free vectors, okay, now last one is the localized vector, so dono mein difference kya hai, yahan pe localized vector, next one is the localized vector, to localized vector mein kya hai, yahan pe ekdum simple. जैसा कि प्री वेक्टर में इनिशियल पॉइंट अपन एनीवेयर इन द स्पेस लेते कहीं भी स्पेस में ले सकते,
तो लोकलाइज वेक्टर में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, जो भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा, इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, देन सच वेक्टर्स आर सेड टू बी द लोकलाइज वेक्टर। या फिर तुमको डेफिनेशन अगर से बोलना है तो डेफिनेशन क्या है, फॉर अ वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स इन स्पेस देन सच वेक्टर इज कॉल्ड एज अ लोकलाइज वेक्टर। कोई एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया वाला है तो वो वेक्टर का अगर से इनिशियल पॉइंट फिक्स है देन सच वेक्टर्स आर सेड टू बी द लोकलाइज वेक्टर स्पेस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम फैन के एग्जांपल ले सकते हो, ये फैन, ये फैन का यहाँ से ये इसका रॉड है ना, और इसके पंख है दिस वन, तो ये फैन के ये जो पॉइंट है ये कैसा, इसका इनिशियल पॉइंट कैसा है, फिक्स है, और बाकी पत्ते उसके आसपास घूम रहे हैं इस साइड है, तो ये वेक्टर वेक्टर की वजह से है ना, इट इज लुक लाइक टू बी वेक्टर, ये वेक्टर की वजह से। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसका क्या इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स है, और बाकी पत्ते उसके घूम रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है स्पेस में तो वो वेक्टर्स को क्या बोलेंगे आप लोकलाइज वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल क्या फैन, ये फिर तुम्हारे किताब में एग्जाम्पल में क्या बोले वाला है, इफ देर आर टू स्टेशनरी कार्स ए एंड बी ऑन द रोड, तब जो दो कार खड़े वाले हैं रोड पे ए और बी, यहाँ पे एक कार है इसलिए कार वन, ये यहाँ पर तुम्हारे किताब में एग्जाम्पल कार वन, और ये दूसरी एग्जाम्पल ये दूसरी कार है कार टू। अब अगर से हमने फोर्स इज अप्लाइड ऑन कार वन, कार वन पे अगर से फोर्स अप्लाई करें तो इट इज अ लोकलाइज वेक्टर। यहाँ पर फोर्स किस पे अप्लाई करें अपन, कार वन पे, तो फोर्स अप्लाई करने से कार वन आगे जाएगी, दिस पर कार वन आगे भी जाएगी तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जबकि कार बी पे अपन फोर्स अप्लाई नहीं करें तो वही रहेगा दिस पर। तो ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स है, सच वेक्टर आर सेड टू बी द लोकलाइज वेक्टर। ओके, सो वेरी सिंपल वन, वेरी वेरी सिंपल वन। ये लास्ट के दो वेक्टर्स अगर से नहीं समझाऊंगा तो एक बार रिपीट करूंगा, प्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर में क्या डिफरेंस है। प्री वेक्टर में कोई भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हम स्पेस में कहीं भी ले सकते हैं, पूरे स्पेस में कहीं भी ये वेक्टर समझो ए बार है तो उसका उठा के अपन इधर भी ले सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, कहीं भी उसका इनिशियल पॉइंट उठा के अपन ले सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सच वेक्टर्स डू नॉट चेंज, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, अदरवाइज अपन उसको अपन कहीं भी उठा के पटक सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद लोकलाइज वेक्टर में क्या डिफरेंस है, कि लोकलाइज वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कैसा है, फिक्स है, इनिशियल पॉइंट कैसा है, फिक्स है, और उसके मैग्नेटिक डायरेक्शन तो वही रहने वाले, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, सच वेक्टर आर सेड टू बी द लोकलाइज वेक्टर। बेस्ट एग्जांपल इज द फैन, फैन का जो रॉड रहता है उसकी इनिशियल पॉइंट कैसे रहता है, फिक्स रहता है, और बाकी जो वेक्टर से मतलब बाकी जो पत्ते हैं उसके आजू बाजू घूम कर। ओके, दिस आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल, कोटर्नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज वेक्टर। और एक वेक्टर का टाइप रह गया कोप्लानर वेक्टर, मगर वो आगे है इसकी वजह से उसको आगे लेके कोई बात नहीं, उसको आगे टाइप करने के लिए पड़ेगा। तो अभी इतना ही है इसमें, अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्पाइरल इज हियर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, नेक्स्ट स्पाइरल हियर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, थोड़ी देर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स वेरी सिंपल हो, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में पहला बिट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट बिट है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसी अंदर व्हाट इज इन बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मतलब क्या, समझो फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है अपने पास ए बार, ये वेक्टर को समझो कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई कर, जो टू ए बार, स्केलर मतलब कोई नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक आधे वेक्टर को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो इट इज सेड टू बी द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या इसको डिफरेंस क्या है, कि पहले एक वेक्टर ए बार था, वेक्टर ए बार को हमने टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिला वेक्टर टू ए बार, अब ये टू तो स्केलर है मगर वो ए बार की मल्टीप्लिकेशन में ये क्या होगा पूरा वेक्टर, टू ए बार क्या होगा वेक्टर होगा। और ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये वेक्टर ए बार है और ये वेक्टर टू ए बार है, इससे कितना बड़ा है टू टाइम्स बड़ा है, इट इज मोर देन टू टाइम्स ऑफ दैट ऑन दिस वेक्टर।
तो ये होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। कोई भी वेक्टर को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना, वो नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के कुछ भी रह सकता, माइनस टू लो, माइनस फोर लो, माइनस हंड्रेड लो, टू लो, फोर लो, हंड्रेड लो, कुछ भी लो, प्लस लो या फिर माइनस लो, मगर जीरो को छोड़ के। तो ये मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलेंगे अपन? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन क्या बोलेंगे अपन? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यानी कोई एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वो वेक्टर का क्या मिलेगा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कोई नंबर से मल्टीप्लाई करा, ये भी वेक्टर है और टू ए बार भी क्या है, भले ही दो स्केलर है मगर वो वेक्टर के संपर्क में आ गया, तो ये पूरा टू ए बार क्या हो गया? वेक्टर हो गया। तो उसी को डेफिनेशन को उससे क्या होता है डेफिनेशन में कि यहाँ पे जो अब ये इसका जो डायरेक्शन है, अभी समझो या फिर समझो कि समझो वेक्टर ए बार है, उसके बाद आपने समझो इसको वेक्टर, ये वेक्टर को टू से मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीपल होते हैं, ये हो गया वेक्टर टू ए बार। अब इसको दो से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, और तुम अगर से स्केलर, तुम अगर से पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे जनरली आपको समझो, फॉर एग्जाम्पल के ए बार। तो पहली कंडीशन क्या, इसकी अगर से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मतलब जैसे कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टू लिया, टू कैसा है? पॉजिटिव है। तो उस टाइम पे ये दिया वाले वेक्टर और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आने वाला वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। तो इसके ग्रेटर देन जीरो, सेम क्या बोलेंगे आपको? डायरेक्शन ऑफ किसकी? डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड के ए बार आर सेम, दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। उसी तरीके से समझो अपन के लेस देन जीरो, के लेस देन जीरो मतलब क्या? आप अगर से टू ए बार की जगह मतलब माइनस टू से मल्टीप्लाई करा, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई अगर से करेगी तो उस टाइम पे ये वेक्टर की और ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी? एक दूसरे को अपोजिट, नेगेटिव वेक्टर से करा। तो इफ के लेस देन जीरो देन द डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड के ए बार आर क्या रहेगा? अपोजिट, रहेगी तो दूसरे को अपोजिट रहेगा। तो इतना ही डिफरेंस। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब कोई वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब वो स्केलर पे डिपेंड है कि अपन स्केलर कौन से स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर से प्लस से स्केलर से प्लस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर की दीवारे वेक्टर की और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो वेक्टर आया दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। और अगर से हम कोई निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दीवारे वेक्टर और ये वेक्टर स्केलर मल्टीप्लीकेशन का वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट। तो ये खेल खेलेगा यहाँ पे, दिस इज के इज वेरी इंपॉर्टेंट। के डिसाइड करेगा कि दोनों के डायरेक्शन क्या है। अगर से के प्लस लेंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी और के माइनस लेंगे तो क्या लेंगे? डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ये होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसमें कुछ नोट्स नोट बताओ जरा पता नोट्स के, जैसे कि पहली नोट्स और एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर बी बार है, वेक्टर बी बार को मैंने अगर से समझो तीन से मल्टीप्लाई करा तो तुम इस टाइप पे बोल सकते हो तीन कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। तो वेक्टर बी बार और वेक्टर थ्री बी बार दोनों की डायरेक्शन क्या रहेंगी? सेम। तो ये थ्री बी बार क्या है एक्चुअल? वेक्टर बी बार को तीन से मल्टीप्लाई करा, तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। थ्री इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी तो वेक्टर, तो स्केलर मल्टीपल थ्री बी बार। ओके, फर्स्ट नोट, पहली नोट क्या है? ए के इक्वल टू जीरो, अगर से अपन ने स्केलर जीरो लिए तो उस टाइम पे क्या आएगा? के बार इज इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। तो कोई भी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ए बार एंड के बार आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। ए बार एंड के बार आर पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, बराबर। ये जो वेक्टर ए बार है और ये थ्री बी बार है, एक दूसरे को कैसा है? पैरेलल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अपन ने पहले ही बोले कोलिनियर या फिर पैरेलल, इसका मतलब क्या है? दो वेक्टर पैरेलल है या फिर कोलिनियर है, दूसरे पे क्या है? दोनों के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे अपन ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बी बार है, ये थ्री बी बार है, तो नो डाउट ये वेक्टर थ्री बी बार ए बी बार से बड़ा है, मगर वो एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसका मैग्नीट्यूड से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसका मतलब कोई वेक्टर ए बार है और अपन किसी से उसको मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
तो तब भी वो दोनों एक दूसरे को क्या रहेंगे, पैरल रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, कोलिनियर, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। थर्ड कंडीशन, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर और आर सेड टू बी कोलिनियर। तो वेक्टर ए बार बी बार कोलिनियर है, ये कब बोलेंगे अपन, कंडीशन है, पहली कंडीशन है इफ क्या, कोलिनियर और पैरेलल, इफ कोलिनियर और पैरेलल, कोलिनियर और पैरेलल कॉमा इफ, तब ए बार इज इक्वल टू एम बी बार और इसमें एम क्या करना चाहिए, नॉन जीरो, क्यों नॉन जीरो, तो दूसरी वजह से जीरो हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखो कि कोई टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर और पैरेलल, है ना। अब कैसे चेक करेंगे अपन दो वेक्टर्स कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, तो क्या आना चाहिए, कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या आना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ए बार इज इक्वल टू एम बी बार, या फिर उसी तरीके से तुम इसको और सॉल्व कर सकते, ए बार इज इक्वल टू एम बी बार बोलो, या फिर बी बार इज इक्वल टू वन अपॉन एम इन टू ए बार, एम इज अ स्केलर, वन अपॉन एम बी क्या है, स्केलर, तभी ये वेक्टर वेक्टर बी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार, जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या रहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, तब वो वेक्टर्स क्या रहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर। तो इसको ये जो नोट है इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अब दूसरे क्वेश्चन है, शो दैट द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब दो वेक्टर्स कोलिनियर मतलब एक्चुअली क्या बताएंगे अपन, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इंसर्ट वेक्टर्स आर सेड टू बी द क्या, कोलिनियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल तुम्हारे लिए बताया आपको, जैसे कोई वेक्टर है ए बार इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी बार है बी आई प्लस बी जे प्लस थ्री, तो वेक्टर बी बार में से हमने अगर से थ्री कॉमन निकाले, यहाँ क्या मिलता आई प्लस जे प्लस के, और तुमको मालूम है आई प्लस जे प्लस के मतलब क्या है, वेक्टर ए बार, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर बी बार इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ए बार, इसका मतलब वेक्टर बी बार इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बार। वेक्टर बी बार क्या है, ए का कैसा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ये दो वेक्टर ए बार और बी बार कैसे वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल, कब, जब वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, तुम ए बार इज इक्वल टू एम बी बार बताओ या फिर बी बार इज इक्वल टू एम ए बार बताओ, व्हाटएवर मे बी, दोनों में से एक, सिर्फ कंडीशन क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, फिर अपन कैसे बता सकते हैं अपनी चॉइस से, तो ये कंडीशन को बोलेंगे अपन वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। थर्ड कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ फोर्थ वन, फोर्थ पॉइंट क्या है, कि कोई वेक्टर लेट ए बार विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग नॉन जीरो वेक्टर ए बार, कल बताया था मैंने भाई कि कोई एक वेक्टर ए बार एक या यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, इसके अलोंग है वेक्टर ए बार, ये एक क्या इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, एक या मतलब क्या है यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द डेफिनेशन, ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला, वेक्टर 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 बताया था पॉइंट, पॉइंट अगेन ऑफ लेंथ 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 के इन द सेम डायरेक्शन एज ए बार तो ये हो गया के ए क्या यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर ए बार, तो यहाँ पे अपन कैसे लिख सकते हैं के ए क्या इज नथिंग बट सेम फॉर्मूला वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब बोलने का मतलब क्या है,
जैसा कोई यूनिट वेक्टर है अलोंग दैट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से कोई एक वेक्टर है लेंथ के का, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो वेक्टर है, तो इसका भी तुम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा सेम, सिर्फ फर्क क्या है ए कैप्स इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब जैसा अपन ने वेक्टर ए बार के अलोंग लिए थे उसी तरीके से के बार स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी इसका जो यूनिट वेक्टर रहेगा k कैप्स इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा। मतलब जैसा अपन जनरली कहता है यूनिट वेक्टर लेते हैं अलोंग दैट वेक्टर वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसी तरीके से अगर से उस वेक्टर को अपन कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वही रहेगा, है ना। जैसे कि मैंने तुमको बोला टू बी कैप्स की तरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट वेक्टर बी कैप्स इंपॉर्टेंट है, टू क्या है स्केलर है, तो टू बी कैप्स में क्या है टू एज इट इज स्केलर एज इट इज, और बी कैप्स का फॉर्मूला क्या है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो टू बी कैप्स इज सेम एज दैट वाज यूनिट वेक्टर, टू बी कैप्स में टू एज इट इज, बी कैप्स मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बोलो एग्जैक्टली यहाँ तक आ गया तो हमने यस टेल मी नाउ बोलो चलो आगे चलो आगे जाएंगे। वेरी सिंपल वन, तो ये होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इम्पोर्टेंट क्या है समझना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। दो वेक्टर्स कोलिनियर कब है जब वो एक दूसरे के क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। any two vectors then their addition or resultant is denoted by a bar plus b bar. Who the vector is a bar b bar? A bar and b bar be any two vectors. So, दोनों की जो sum रहेगी a bar plus b bar उसको क्या बोलेंगे अपन resultant बोलेंगे। This one a bar plus b bar is nothing but it is a bar plus b bar is nothing but it is a resultant of two vectors. Resultant of two vectors. Okay. A bar plus B bar is a result, it is a resultant of two vectors. So addition of vectors में दो formulae, पहला है parallelogram law of vector addition और दूसरा है triangle law of vector addition. तो first देखेंगे यहाँ पे parallelogram law of vector addition. Addition of two vectors में पहला है parallelogram of two vectors. Parallelogram law of two vectors. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है हम जो कोई पैरेललोग्राम एबीसीडी तो ये पैरेललोग्राम में अगर से एडजेसेंट साइड तुमको मालूम है जैसे कि ये समझो ए बार है ना तो फिर तुम्हारे नाम थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपन किताब के हिसाब से लेंगे तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं ए बी सी डी चेंज ए बार ये क्या बी बार तो कोई इसमें पैरेललोग्राम में अगर हमको एडजेसेंट साइड्स पता है जैसे कि यहाँ पे ये ए बी सी डी ये ए बार है और ये बी इसका क्या ए डी बार का क्या लिया वेक्टर बी बार तो ये क्या इसकी एडजेसेंट साइड ऑफ दैट पैरेललोग्राम ये एडजेसेंट साइड होगी ये एडजेसेंट साइड तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इफ यू नो द एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम देन The third side is the thing but इसका जो diagonal है this diagonal represents this one this c bar समझो this diagonal represents the addition of these two ones this a bar plus b bar तो याद रखो parallelogram law of vector addition में क्या difference है अगर सर parallelogram की अगर सर दो adjacent side पता है तो diagonal क्या करेगा always represent the sum of its adjacent side मतलब a bar plus b bar दोनों को क्या करेगा डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा इट रिप्रेजेंट द एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार तो ये है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एज ऑन एकदम सिंपल
या फिर तुमको और अच्छे से बताने का तो बेहतर ये वेक्टर ए सी बार, वेक्टर ए सी बार इज नथिंग बट इट इज एडिशन ऑफ दिस टू एडजेसेंट साइड, बोथ एडजेसेंट साइड ए बी बार प्लस ए डी बार। ए बी बार मतलब क्या आएगा ए बार, और ए डी बार मतलब कितना आएगा बी बार, और ए सी बार को हम कह रहे हैं सी बार, तो सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो इम्पोर्टेंट याद रखना था क्या है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फिफ्थ एडिशन में जो पैरेललोग्राम का डायगोनल आएगा वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। ये जो डायगोनल है इसको रिप्रेजेंट करेगा इसके एडजेसेंट साइड के सम को, मतलब सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ओके नाउ सेकंड वन इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ फिफ्थ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फिफ्थ एडिशन मतलब क्या कि इसी में तुम बना सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डायगोनल डालने से इसमें दो ट्रायंगल मिले, ये एक ट्रायंगल और ऊपर का एक ट्रायंगल। तो सबसे पहले अगले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फिफ्थ एडिशन में ये अगर से ए है तो पैरेललोग्राम होने की वजह से ये क्या रहेगा ए बी है, ये भी क्या रहेगा बी, और ये भी क्या रहेगा अपोजिट साइड आर पैरेलल जो मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या रहते हैं पैरेलल रहते हैं। इसलिए अगर से ये बी बार है तो ये बी बार, ये ए बार है तो ये भी कितना है ए बार। तो ट्रायंगल ऑफ फिफ्थ एडिशन क्या होगा, ट्रायंगल ऑफ फिफ्थ एडिशन इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर ए सी बार इज इक्वल टू, उसमें क्या था एडजेसेंट साइड की एडिशन थी ये प्लस ये, तो ट्रायंगल लॉ में क्या है उसके बाद ये ए बार और ये दिस बार, मतलब कैसा ए बी बार प्लस कितना बी सी बार। तो ये कितना मतलब तुमको ए सी बार का पोजीशन वेक्टर कितना सी बार, ए बी बार मतलब क्या ए बी बार प्लस बी सी बार मतलब क्या ए बार प्लस अगेन सेम यहाँ पर वेरी सिंपल ए सी बार को तुम ऐसे लिख सकते ए बी बार प्लस बी सी बार। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ट्रायंगल ऑफ फिफ्थ एडिशन में, ये जो वेक्टर वन आफ्टर अनदर है, ट्रायंगल ऑफ फिफ्थ एडिशन का यूज करेंगे जब वेक्टर्स वन आफ्टर अनदर है, जैसे कि ये वेक्टर कंप्लीट हो गया ये वेक्टर का इनिशियल आर, ये इसका टर्मिनल आर यहाँ पे खत्म हो गया, ये वेक्टर का इनिशियल आर और ये वन आफ्टर अनदर है, ये खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हुआ। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगी तो उसके अंदर क्या करेंगे ट्रायंगल ऑफ फिफ्थ एडिशन, और ये कब यूज करेंगे अपन अगर से एक्टिंग साइमल्टेनियसली या फिर दोनों भी है, ये वेक्टर ए बार एंड बी बार एक्टिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली ना देखो ना ये एडजेसेंट साइड है, मतलब जब भी दो वेक्टर साइमल्टेनियसली एक्ट होंगे तो हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फिफ्थ एडिशन, और कोई दो वेक्टर्स एक के बाद एक वन आफ्टर अनदर यूज है हम क्या लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फिफ्थ एडिशन। ये भी समझ आना चाहिए कब कौन सा लॉ यूज होगा, ये वेक्टर का टर्मिनल और ये वेक्टर का इनिशियल एक के बाद एक है, कोई वेक्टर वन आफ्टर अनदर है तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फिफ्थ एडिशन अप्लाई करेंगे, और दोनों वेक्टर अगर से साइमल्टेनियसली अपने को दिए वाले हैं तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फिफ्थ एडिशन अप्लाई करेंगे। नाउ द थर्ड वन, अब इसमें ट्रायंगल ऑफ फिफ्थ एडिशन तुम्हारे समझ में आना चाहिए। देखो ए बी बार प्लस बी सी बार इसका टर्मिनल इसका इनिशियल सेम है तो डायरेक्ट तुम कह सकते ए सी बार, समझो मैंने तुमको और दिया क्यू बार प्लस क्यू आर बार, तो तुम्हारा समझ आना चाहिए कि ये 100% ट्रायंगल लॉ ऑफ फिफ्थ एडिशन यहाँ पे अप्लाई करूंगा। क्यों? तो इसका इनिशियल इसका टर्मिनल इसका इनिशियल क्या है सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट तुम कह सकते इट इज नथिंग बट क्यू आर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ए सी बार प्लस सी डी बार, तो क्या देखेंगे हम इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल दोनों सेम है तो डायरेक्ट हम पहले सीखेंगे ट्राइंगल ऑफ फिफ्थ एडिशन। और एक क्लास एग्जाम्पल पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार, इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल सेम है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे दोनों को हटा के डायरेक्ट पी आर बार। It is a method to use the triangle law of fifth addition. ठीक, तो कब use करेंगे? Parallelogram law का use करेंगे जब a bar b bar acting simultaneously. दोनों का से simultaneously acting है, तो उस time पे parallelogram law of fifth addition. और ये अगर से one after another है, तो क्या use करेंगे अपन? Triangle law of fifth addition. Next one is the
subsection of two vectors, third one. Next one is the subtraction of two vectors. Third one is the subtraction of two vectors. Simple subtraction of two vectors में क्या आएगा? Difference यहाँ पे equal दो vectors a bar और b bar है, तो subtraction को तुम क्या लिख सकते? A bar minus b bar. कोई तुम लिख सकते? A bar plus minus times of B bar. This is a concept here. Very simple one. So subtraction of two vectors matlab a बार माइनस b बार क्या निकलता है? a बार प्लस माइनस b बार. तो ये प्लस माइनस b के क्या मिलेगा तुमको? माइनस का b बार. तो ये जो माइनस का b बार है ये क्या है? इट इज अपोजिट टू वेक्टर b बार. b बार के अपोजिट एंगल से है तो ये क्या रहेगा? माइनस b बार. तो ये होगा सबसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. मतलब दो वेक्टर्स का जैसे एडिशन के तुमको लॉग मिले, पैरेललोग्राम लॉग मिला, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो उसी तरीके से सबसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स भी तुम कर सकते हो. तो सबसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में तुम क्या लिखेंगे? A bar minus B bar can be written as A bar plus minus B bar. Plus minus करते क्या मिलेगा? Minus. तो ये जो बिल्कुल minus B bar है, ये क्या है? Opposite. अगर हमको proof पता नहीं है, तो कैसा? जैसे कि for example देखो, subtraction of two vectors में अगर से बताना है, तो important क्या है? कि जैसे कि ये A B, एक vector,